सोशल मीडिया पर रहते हैं ऑलवेज अपडेट, तो चलिए दिखाते हैं इस बार कौन कौन से वो सेलिब्रिटी हैं जो दिखा रहे हैं सोशल मीडिया वाला टशन, जिसे देख आप भी कहेंगे वाह वाह क्या बात है। बीटाउन के स्टार्स को क्या पसंद है नहीं समझ आया? अजय इन्हें सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद है, इसीलिए एक बार फिर से लेकर हैं बॉलीवुड स्टार्स का इंटरनेट वाला टशन। सबसे पहले देखिए ऋतिक रोशन और उनकी फैमिली की भक्ति। शिवरात्रि के मौके पर पूरी रोशन फैमिली ने मंदिर जाकर भोले बाबा का जलाभिषेक किया। ऋतिक रोशन के साथ जहां उनके बच्चे थे तो वहीं उनकी एक्स वाइफ सुजैन खान भी साथ दिखी। और अब बात हॉट सेक्सी मॉम करीना कपूर के ब्राइडल लुक की। जी हाँ, बेबो ने एक मैगजीन के लिए करवाया है फोटोशूट। हर एक तस्वीर कुछ कहती है। ब्लू पिंक गोल्डन हर कलर में करीना खूब खिल रही है। भला इन तस्वीरों को देखकर कोई यही कहेगा कि जनाब यही है असली संतूर वाली मम्मी। आज की सबसे ताजा अपडेट शिल्पा शेट्टी के घर से आ रही है। शिल्पा शेट्टी के घर फिर गूंजी है किलकारी। जी हां, शिल्पा एक बार फिर से मां बनी है और इस बार बेटी का स्वागत घर में किया गया है। दरअसल शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने सरोगेसी के जरिए अपनी बच्चे के आने की गुड न्यूज दी, और तो और बेटी का नामकरण भी हो गया है। बेटी का नाम रखा गया है समीशा शेट्टी कुंद्रा। बधाई हो बधाई। गुड न्यूज है तो वहाँ बैड न्यूज भी होगी। जी हाँ, वरुण धवन के फैंस को ये सुनकर थोड़ा दुख होगा कि कुली नंबर एक की शूटिंग करते करते वरुण घायल हो गए हैं। और ये खबर वरुण ने दी है अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर। अब जब बात फिल्म कुली की छिड़ी है तो सारा अली खान से सुन लेते हैं कि वो क्या कह रही है। हेलो गाइस, एंड दैट इज अ रैप ऑन कुली नंबर वन। जी हाँ, कुली नंबर एक की शूटिंग खत्म हो गई है, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर संजय मिश्रा ने अपनी फिल्म कामयाब की रिलीज से पहले एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उनके साथ बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन भी नजर आ रहे हैं। अब जरा निया शर्मा की इस अदा को तो देखिए। निया गजब का आउटफिट पहने नजर आ रही हैं, जिसकी तारीफ खुद गुरु रंधावा ने भी की। फिल्म 83 में रणवीर सिंह और दीपिका के लुक से आप मुखातिब हो ही गए होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इस लुक के लिए दीपिका को देनी पड़ी थी कई टेस्ट। ये तस्वीरें देखिए, जब ये लुक दीपिका पर अप्लाई किया जा रहा था तो कितनी एक्साइटेड दिख रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।